प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंत सिंह माली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये रियल एस्टेट को लेके है। मैंने लिखा है लॉ एंड प्रैक्टिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। कानून और प्रैक्टिस, मतलब काम करने का ढंग, ये अलग अलग चीज़ें साबित हो जाती हैं। जब मैं बैंक में काम करता था तब भी, और जो आज कुछ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही है, क्योंकि जैसे कानून कहता है उस तरीके से कई बार हमें उसमें प्लस माइनस करके जुगाड़, जिसको बोलते हैं मैनुपुलेशन बोलते हैं, वो मैनुपुलेशन करके करना पड़ता है। यही काम रियल एस्टेट में भी है। रियल एस्टेट में कैसे ये जुगाड़ है जो ये काम करता है, वो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। जब कोई भी डील होती है तो ओरिजिनल ओनर जो होता है, जिसको हम सेलर बोलते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी परचेजर को भेजता है, जिसको हम एग्रीमेंट होल्डर भी बोलते हैं या परचेजर भी बोल सकते हैं। इसको परचेजर भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसमें क्या होता है कि जब हम ओरिजिनल सेलर का या ओरिजिनल ओनर का एग्रीमेंट हो गया किसी के साथ, वो उसमें लिखा जाता है कि ये जो परचेजर है ये जिसके नाम चाहे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकता है, और चाहे वो अपनी वाइफ के नाम पे करवा ले, अपने किसी बच्चे के नाम पे करवा ले, या किसी और किसी बंदे के थर्ड पार्टी के नाम पे भी करवा ले, तो उसमें सेलर को कोई भी इतराज नहीं होगा। ये लिखा जाता है। लॉ एंड प्रैक्टिस अलग अलग चीज़ें, मैं पहले पहले बोला। और इसमें ये कई बार, मतलब जो लॉ के मुताबिक तो हमें जो एग्रीमेंट है हमारा ओरिजिनल ओनर के साथ ही होना चाहिए, लेकिन मैंने ये नोट किया है 29 साल हो गए कि हम प्रॉपर्टी लेते हैं, एग्रीमेंट अपना ओरिजिनल पार्टी के साथ कर लिया। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि ये एग्रीमेंट के ऊपर ही प्लॉट बिक जाए, बिक जाता है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होल्डर है ओरिजिनल जो मालिक के साथ है, ये किसी के साथ चाहे ये एग्रीमेंट होल्डर किसी और बंदे को बना सकता है, अपना जो इसने प्रॉपर्टी खरीदी है ये आगे भी किसी को बेच सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट में भी लिखा जाता है ये, और ये आगे बेच सकता है एंड सो ऑन। इस तरीके की मैंने 1992 जब मैंने लास्ट में काम शुरू किया था, तो हमने सेक्टर 71 में प्लॉट लिए थे 2-2 लाख रुपए के, 200 गज के। तो वो प्लॉट, मतलब तेजी उन दिनों में बहुत आई, तो वो प्लॉट के जो हमने 20,000 रुपया उनको सही दी थी, तो वो 20,000 रुपये के साथ बुक किया था, और 5-5, 6-6 बंदे निकलने के बाद वो प्लॉट का रेट 2.5 लाख से लेके 2,70,000 तक हो गया था। तो खतरा क्या हो गया, अब जो लास्ट बंदा है, सपोज यहाँ पर 5वां एग्रीमेंट हो गया और 2 लाख का लिया हुआ प्लॉट 2,70,000 में हो गया, तो अब ये सपोज ये पीछे वाली पार्टी हिल जाती है, पीछे वाली पार्टी बैकआउट हो जाती है, कुछ और हो जाता है, तो ये बंदा कहाँ खड़ा है? ये बंदा इसके साथ एग्रीमेंट है, इससे क्लेम करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, इस तरीके से ये इससे करेगा। तो यदि ये चाहे, दो लाख रुपए का प्लॉट था, इसने 20,000 रुपये साई ली हुई है, ये चाहे, इसको कई बार मतलब आके मतलब इंस्टिगेट भी करते थे लोग कि यार 20,000 का 40,000 वापस करो उनका, तो आप प्लॉट बाहर 2,70 का बेचो तो भी आपका 50,000 बच रहा है। तब की बात है, 1992 या 1993 की बात कर रहा हूँ, तब 50,000 रुपये अमाउंट काफ़ी हो जाती थी। तो ये ऐसी ऐसी तकनीक रहती थी। लेकिन ये जो बंदे हैं, ये जो एग्रीमेंट वाले हैं, ये जो इसको छोड़ के ये तो ओरिजिनल के साथ हो गया ना, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट एक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट, जो हम ये समझते हैं कि उसमें डालना चाहिए एग्रीमेंट में, ये लाइन हम डालते हैं ताकि जो यदि ये बंदा चाहे कि मैं पैसा डबल उसको वापस कर दूं, तो वो डबल वापस ना हो, उसका कोर्ट के थ्रू हम रिलीफ ले सकें। इस जो क्लास के तहत कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है अपना पार्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस का मतलब सेलर अपना जो रोल है वो अदा करे, परचेजर अपना रोल अदा करे। सेलर ने रजिस्ट्री करवानी है, कोई उसका उसके ऊपर लोन है, कुछ और चीज़ें हैं, वो
उसकी उतारे और जाके रजिस्ट्री करे। परचेजर की ड्यूटी ये है कि अपने पैसे इकट्ठे करे, अपनी और जो भी उसकी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करे, वो पूरी करने के बाद इसके नाम पे रजिस्ट्री करो ले। कई बार गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट है जो इनके ऊपर लागू नहीं होता था। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दी जा सकती थी, कौन दे सकता है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो। इसी तरीके से यदि इस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है तो ये बंदा इसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि भाई मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट के अंडर आपके ऊपर केस करूंगा। ये लिखा जाता है उसमें कि आप चाहे अदालत के थ्रू रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और इसमें ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमेशा लिखा जाता है कि आप किसी के नाम पे भी करवा लो। वैसे नॉमिनी भी लिख देते हैं हम, इसका भी किसी नॉमिनी के नाम पे करवा सकता है नॉमिनी। और द सेलर के उसमें परचेजर में द पर्सन ऑफ हिज चॉइस, हिज का मतलब परचेजर की चॉइस का कोई भी आदमी है वो उसके नाम पे करवा सकता है। तब ये ज़्यादा पॉसिबल था, अभी भी पॉसिबल तो है, अभी भी होता है ऐसा। लॉ एंड प्रैक्टिस अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अभी भी मोहाली में, चंडीगढ़ में, जहाँ भी है, ये एग्रीमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी बिकती है। लेकिन ये 2015 से पहले तो बड़े आराम से बिकती थी ना, तब चेक की पेमेंट थी वो दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं थी। आप चाहे करोड़ रुपये की आप कैश दे सकते थे, दे सकते थे, लीगल था। लेकिन अब जो है, अब 20,000 रुपये से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। यदि आप इस तरीके की डील करते हो तो फिर वो भी आपको मैनेज करनी पड़ती है। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है, यदि आप परचेजर हो और दूसरे तीसरे चौथे परचेजर हो तो आपने अपने आप को सेफ मान के चलना है कि किस तरीके से आप सेफ रह सकते हो। क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट वाला बंदा ये बंदा ये नहीं लिख के दे सकता, ना ये लिख के दे सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट वाला बंदा ये लिख के दे सकता है जहां यू आर दी मोस्ट सेफ, मतलब यहां मोस्ट सेफ रहोगे आप। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आप जो देखने वाली बात है, ये इस तरीके का एग्रीमेंट करना है ताकि आप 100% सेफ रह सको, आपके पैसा सेफ रह सके, आपके मन का सुकून सेफ रह सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने।